हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। 5000 जनरल साइंस एमसीक्यू की सीरीज का सेट नंबर 9 आज अपन बात करने वाले। 8 सेट अपन कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट वीडियोज़ का आपको कलेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो आज देखिएगा और स्पेशली चैनल के अंदर विजिट करते रहेगा। जो रेलवे जूनियर इंजीनियर CBT 1 के अंदर जो भी पेपर्स पूछे गए थे उन सभी को मैंने सेपरेट कर दिया है, तो उनकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। NTPC पेपर्स है उनकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिनको बाइलिंगुअल कंटेंट की ज़रूरत है, तो ये जो RRB JEE वाले हैं, RRB JEE CBT 1 के जो भी पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, जिनको बाइलिंगुअल कंटेंट की ज़रूरत है। ओके, बाकी हिंदी वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वालों के लिए तो अपन सभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे अपना NTPC हो, चाहे अपना ग्रुप D हो, चाहे RPF हो, अपन सभी पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो जिनको बाइलिंगुअल की ज़रूरत है वो ज़रूर इस एक तो 96 वाले कंटेंट और एक RRB JEE CBT 1, जिनको बाइलिंगुअल है चाहिए उनके लिए दो प्लेलिस्ट है, एक तो 96 वीडियोज़ की है और एक RRB JEE CBT 1, उसके अंदर 63-64 वीडियोज़ होंगे समथिंग, तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जिनको बाइलिंगुअल चाहिए। ओके, आज अपन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 636 से शुरुआत करेंगे। आवाज़ वगैरह आ रही है, सब कुछ अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आज का अपने जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्वेंटर के बारे में पूछा गया आपसे कि व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जे बी डनलप ने किसका आविष्कार किया था। देखिए ऑप्शन में से जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था, वाइजाज कार, रबड़ टायर या रबड़ के बूट क्या। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, रबड़ टायर किसने किया है, जेबी डनलप ने। क्लियर है, आंसर बन जाएगा। अपन बात करें रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा किधर होता है, साउथ इंडिया के अंदर होता है, और उसके अंदर भी अगर अपन बात करें रबड़ को स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करने के लिए, मजबूतता प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके अंदर अपन सल्फर मिलाते हैं और सल्फर मिला के अपन क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, सल्फर मिला के गर्म करते हैं, और ये कंप्लीट प्रोसेस आपकी कहलाती है वल्कनीकरण। तो सिंपल सब पूछा जा सकता है, रबड़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन उसके अंदर क्या मिलाते हैं, सल्फर का कंपाउंड मिलाते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है वल्कनीकरण। आगे का क्वेश्चन आपका है, ये जो फंगस का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा माइकोलॉजी के साथ में, माइकोलॉजी। देखिएगा एक टर्म्स यहाँ पे आई नहीं क्या, एक होता है फाइकोलॉजी, मिलता जुलता ऑप्शन होता है जिससे अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं, फाइकोलॉजी। ओके, तो फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, फफूंद या कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं शैवालों का अध्ययन, शैवाल संबंधित अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंदर। क्लियर है, तो माइकोलॉजी हो जाएगा आपका फफूंद या कवक से संबंधित। निम्न में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी है, दूध का दही में, मिल्क का कर्ड में। दूध का दही में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, जीवाणु के द्वारा किया जाता है। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, जीवाणु के खोजकर्ता आपके लिवेनहॉक, जीवाणु के खोजकर्ता लिवेनहॉक। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दूध का दही में रूपांतरण किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस क्या है, ये जीवाणु का नाम है जो दूध को दही में रूपांतरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, जीवाणु के खोजकर्ता आपके लिवेनहॉक है। तो विषाणु के खोजकर्ता कौन है, विषाणु के खोजकर्ता की बात करें इवान वॉस्की है विषाणु के खोजकर्ता। क्लियर है, विषाणु किससे मिलकर बना होता है, विषाणु आपका एक तो प्रोटीन होता है विषाणु के अंदर, एक आपको देखने को मिलेगा कोई भी आपका न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड के संयोजन से वायरस का निर्माण होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आपका या तो DNA होगा या आपका RNA होगा, इस चीज़ का कन्फर्मेशन करके रखिएगा, इसमें दोनों नहीं पाए जाते, ओनली या तो DNA होगा या RNA होगा, वायरस के अंदर ओनली एक ही न्यूक्लिक एसिड आपका पाया जाता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, रिब्स, टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है। पैर्स के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पैर्स में कितनी होती है, पैर्स में होती है आपकी 12 रिब्स होती है, तो संख्या में बन जाएगी आपकी 24। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 24 होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अपन बात करें एडल्ट्स के अंदर आपकी 206 हड्डियाँ होती है, और आपकी 635 के समथिंग या 636 के समथिंग आपकी मांसपेशियां देखने को मिलती है। क्लियर है, ऑप्शन आपका 600 प्लस देखने को मिलेगा मांसपेशियों की कैटेगरी में। हड्डियों की संख्या 206 होती है, मांसपेशियों की संख्या 600 प्लस होती है, और नवजात के अंदर बात करें तो नवजात के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 300। अगला क्वेश्चन आपका, एक गेंद को लंब पूर्वक, लंब पूर्वक का मतलब हो गया वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है,
तो उसकी चाल के दौरान निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा कॉन्स्टेंट रहती है? एक आपके पास में कोई भी गेंद है, आप उस गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंकते समय दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी कॉन्स्टेंट रहती है? ऑप्शन यहाँ पे आपका है एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ऊपर की तरफ फेंकेंगे कॉन्स्टेंट क्या रहेगा? तो कॉन्स्टेंट की बात करें आपका एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। एनर्जी कॉन्स्टेंट क्यों रहेगी? ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है तो हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी MGH बढ़ेगी। ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी तो 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी कम होती जाएगी। कुल मिला के आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी कॉन्स्टेंट रहने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आपकी कॉन्स्टेंट रहने वाली है। ओके, एक बढ़ रही है आपकी तो दूसरी यहाँ पे घट रही है, कुल मिला के आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ऊंचाई के साथ में तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कम होती जा रही है, तो कुल मिला के आपकी टोटल यहाँ पे एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट रहने वाली है। देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ में जूल बनेगा या कैलोरी बनेगी। देखिएगा ऑप्शन और दिया हुआ है आपका, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल के साथ में। जूल है यह आपकी हीट का भी होता है, एसआई एनर्जी वर्क का भी होता है, क्लियर है। जूल, जूल किसको बोलते हैं? देखिएगा सिंपल सी अपन बात करते हैं, एक जूल बराबर अपन किसको कहते हैं? एक वाट इनटू सेकंड को बोलते हैं। तो आपका जो भी होता है kWh होती है, kWh, ये kWh किस में होगी आपकी, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 3.6 × 10⁶ वाट इनटू सेकंड, ये आपकी किसकी हो गई? जूल में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे ऊष्मा की जो एसआई मात्रक है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे आंसर बन जाएगा यहाँ पे जूल के साथ में। खाने वाली एनर्जी खाद्य ऊर्जा है उसको कैलोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, केल्विन को टेम्परेचर में रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूटन फोर्स की हो गई। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको अपन किचन के अंदर काम में लेते हैं, इसका साधारण नाम क्या होता है? इसका साधारण नाम होता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसको अपन लिखते हैं NaHCO3 के साथ में। ध्यान देना है ये क्वेश्चन एक बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपका जो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। यदि बेकिंग सोडा के अंदर आप, बेकिंग सोडा के अंदर यदि आप क्या मिलाओगे? टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा में यदि टार्टरिक एसिड मिलाओगे तो किसका निर्माण होगा? पाउडर का निर्माण हो जाएगा। सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाओगे तो पाउडर का निर्माण होगा, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर बन जाएगा ये। कपड़े धोने का होता है, इसका फॉर्मूला बनता है आपका Na2CO3, ओके, .10H2O क्रिस्टलीकृत फॉर्मूले में बन जाता है 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बन जाता है आपका CaSO4.OH2O, ये बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम की सहायता से, और जिप्सम का फॉर्मूला बन जाता है CaSO4.OH2O, ये फॉर्मूला आपका जिप्सम का। क्वेश्चन नंबर 6.3, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट, सिडेराइट या गेलेना, ओके, दिए गए ऑप्शन में से क्या बनेगा, कौन सा आपका एक ऑप्शन से भी देखने को पता चल रहा है आपको, हिंदी वर्ड्स देख लोगे तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा सिडेराइट के साथ में। तो हेमेटाइट हो गया, सिडेराइट हो गया, ये सब आपके किसके अयस्क है? लोहे के अयस्क है, ओके। लोहे के ऊपर जंग लगना है वो एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। देखिए ऑप्शन में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। देखिएगा एग्जाम में एक जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि टोटल वर्ल्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी रीजन कितने हैं, तो टोटल वर्ल्ड के अंदर 8 है। विश्व के अंदर टोटल जैव विविधता वाले क्षेत्र कितने हैं, तो 8 है। भारत के अंदर कितने हैं, भारत के अंदर 4 हैं। 4 कौन कौन से हो गए, 4 की बात करें, एक तो आपका हो जाएगा सुंदरवन, सुंदरवन हो जाएगा, दूसरा आपका पश्चिमी घाट बोले तो वेस्टर्न घाट हो जाएगा, तीसरा आपका इंडो तिब्बत रीजन है, और चौथे की बात करें आपका हिमालय रीजन है। तो भारत के अंदर 4 जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, वेस्टर्न घाट हो जाएगा, इंडो तिब्बत रीजन हो जाएगा, हिमालय रीजन हो जाएगा। टोटल विश्व के अंदर कितने हैं, विश्व के अंदर टोटल आपके 8 है, जिसमें से 4 ओनली इंडिया के अंदर है। देखिए ऑप्शन में से किसमें अधिकतम जैव विविधता किसमें है, तो दिए गए ऑप्शन में से आपका राइट आंसर बनेगा उष्णकटिबंधीय रीजन में, ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय रीजन में।
उष्ण कटिबंधी होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से बनता है आपका भूमध्य रेखा, जिसमें आपको पता है कि 23.5 डिग्री हो गया, एक होती है आपकी 66.5 होती है, ठीक है, एक होती है जीरो, तो जीरो से 23.5 अपन कहते हैं उपोष्ण होता है, इसके बाद में उष्ण होता जाता है और उसके बाद में आपका शीतोष्ण स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो अधिकतम जैव विविधता किसमें पाई जाती है, तो अधिकतम जैव विविधता आपकी पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय रीजन में। क्लियर है, उपोषण, उष्ण और शीतोषण, तो भारत सबसे ज़्यादा किस में आ जाता है, इस कैटेगरी में आ जाता है। 23.5 भारत को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। अल्बर्ट शाबिन को क्या विकसित करने के लिए जाना जाता है? बनवारी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अल्बर्ट शाबिन को क्या विकसित करने के लिए जाना जाता है? देखिए ऑप्शन में से अल्बर्ट शाबिन यहाँ पे आपका आंसर बनेगा पोलियो वैक्सीन। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज की गई थी साबिन के द्वारा। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन आपके हैं? फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के खोजकर्ता आपके हो जाएंगे पे फ्लेमिंग के साथ में। आगे का क्वेश्चन आपका, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? एक कोशिकीय है तो इसका मतलब उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है सिंगल सेल के द्वारा होती है, एक ही कोशिका के द्वारा होती है, और वहाँ पे डिवीजन काम में लिया जाता है, विभाजन काम में लिया जाता है। प्रजनन की बात हो रही है तो प्रजनन किया जाता है सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। डीएनए इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों आपके न्यूक्लिक एसिड हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या बनेगी? देखिए ऑप्शन में से, तो ये तो याद है सबको, आंसर बन जाएगा यहाँ पे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे का क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? फीमेल हार्मोन कौन कौन से है? पहले बात करें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन जो फीमेल्स में पाया जाता है, तीन ऑप्शन में से कौन कौन से हार्मोन है, कौन कौन सा? तो एक आपका यहाँ पे मेल हार्मोन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। टेस्टोस्टेरोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा मेल हार्मोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों आपके हैं फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन है आपका मेल हार्मोन। आगे का क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस खेल में खिलाड़ी के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? पास्कल के नियम की बात करें, पास्कल का नियम ये कहता है किसी, यदि अपन ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, ग्रेविटी को अपन इग्नोर कर दें, तो सब जगह हमेशा किसी भी लिक्विड के अंदर हमेशा जो द्रव होता है उसके ऊपर सब जगह दाब बराबर होता है। ओके, चाहे आप किसी भी पात्र को समझ सकते हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर कि लिक्विड के अणु के ऊपर लगने वाला दाब है चारों तरफ बिल्कुल समान रहता है, ये कहलाता है आपका पास्कल का नियम। देखिए ऑप्शन में से किस खिलाड़ियों में के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? चढ़ाई वाले के पास में, पैराग्लाइडिंग वाले के पास में, राफ्टिंग करने वाले के पास में, या स्कूबा डाइविंग के पास में? तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्कूबा डाइविंग वालों के पास में ज्ञान होना आवश्यक है पास्कल के नियम का, यानी सब जगह प्रेशर बराबर लगने वाला ज्ञान बराबर होना आवश्यक है इनके पास में, स्कूबा डाइविंग। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? लिस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बींग। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? तो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ओके, मिनिमम डिस्टेंस, वह व्यक्ति जो नज़दीक से तो देख सकता है, जो नज़दीक से तो देख सकता है लेकिन दूर से नहीं देख सकता, उसके जो बीमारी होती है उस बीमारी को कहते हैं मायोपिया। ओके, और जो व्यक्ति नज़दीक से तो नहीं देख सकता लेकिन दूर से देख सकता है उस बीमारी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हिंदी में इसको बोल देते अपन निकट दृष्टि दोष, इसको हिंदी में बोल देते अपन दूर दृष्टि दोष। देखिए ऑप्शन में से ISDN, इसका संक्षिप्त रूप क्या है, या ISDN की फुल फॉर्म क्या बनने वाली है? ISDN इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंडियन, या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या इंटरनल। तो ISDN में आई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल, इंडियन, इंटीग्रेटेड या इंटरनल। देखिए ऑप्शन में से आई का मतलब क्या होगा, वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ISDN में
मोहम्मद इरफान जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। निम्न में से किसे अजीर्ण के इलाज में, अजीर्ण बोलते हैं जिसको डाइजेशन नहीं होता या इनडाइजेशन, अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इनडाइजेशन, जिसका खाना नहीं पचता तो उस कंडीशन में अपन क्या काम में लेंगे। एक तो होता है डाइजेशन, एक होता है इनडाइजेशन, पाचक और अपाचन। अपाचन के इलाज में अपन क्या काम में लेंगे, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक। खाना हजम नहीं होता है तब किस चीज़ का यूज किया जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा एंटा एसिड। ओके, यानी कुल मिला के खाना नहीं पच रहा है, इसका मतलब पेट के अंदर क्या होगी, एसिडिटी बढ़ गई है। तो एसिडिटी के लिए अपने को चाहिए इसका काट चाहिएगा, यानी अपने को बेस चाहिएगा, बेस को अपन क्या बोल देंगे, एंटा एसिड। एंटा एसिड, एंटा एसिड क्या होता है अपने किचन के अंदर, आपका जो NaHCO3 होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो एक प्रकार का आपका क्षारी होता है जिसको आप एंटा एसिड भी बोल देते हो। क्लियर है? तो इसलिए आपका जो बेकिंग सोडा है वो क्षार का भी काम करता है आपका, और सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका अग्निशामक के रूप में भी अपन काम में ले सकते हैं, आग बुझाने के रूप में भी, क्योंकि वहाँ से वो टूटता है NaHCO3 तो CO2 का निर्माण होता है। देखिए ऑप्शन में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी बिटन इंटू सीड्स, यानी चादर में अपन उसी को परिवर्तित कर सकते हैं जिसके अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ओके, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम होगा, यानी जो आपकी मेटल नहीं होगी, जो आपकी मेटल नहीं होगी वही आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। देखिए ऑप्शन में से किसको सीट में नहीं बदला जा सकता, तो इसमें आपकी जो तन्यता वाली प्रॉपर्टीज है डक्टाइल वाली वो नहीं पाई जाती, आंसर बन जाएगा यहाँ पे पोटेशियम। बिल्कुल वेरी गुड, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका, मीनामाता रोग एक तंत्रिका विकार है, नर्वस डिसऑर्डर है, मीनामाता बीमारी है वो एक नर्वस डिसऑर्डर है, ये किसकी वजह से होता है, किस प्रकार की, कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पोल्यूटेड विद, यानी जो भी किस चीज़ से ग्रसित मछलियों के सेवन से होता है, किस चीज़ से ग्रसित मछलियों के सेवन से मीनामाता रोग होता है, और मीनामाता रोग किसको इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, तंत्रिका सिस्टम को इफेक्ट करता है। यहाँ पे आंसर बनेगा यदि मरकरी से ग्रसित, तो ये आपका जो मीनामाता रोग है वो किसकी वजह से होती है, मरकरी की वजह से होती है, आंसर बन जाएगा पारा मरकरी, ऑप्शन नंबर बी। इटाई इटाई किसकी वजह से होता है, इटाई इटाई होता है आपका कैडमियम। सेंटीग्रेड माप का आविष्कार किसने किया, अपन जो डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं इसका इन्वेंटर कौन है, ऑप्शन यहाँ पे एंडर्स सेल्सियस, डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट या थॉम्सन या राइट ब्रदर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा सेल्सियस वाला, एंड्रस सेल्सियस। ओके, -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपकी सेंटीग्रेड स्केल और फारेनहाइट आपकी बिल्कुल बराबर होती है, कितने पे, -40 पे, और चार पे क्या होता है, चार पे आपका जो घनत्व है, द्रव का घनत्व है, पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व है मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल और काई से बने होते हैं, लाइकेन एंड मॉस, लाइकेन एंड मॉस। किस प्रकार का वन है, किस प्रकार का फॉरेस्ट है जो मेजरली बना हुआ होता है लाइकेन एंड मॉस से, ये जो लाइकेन है, लाइकेन की उपस्थिति से अपन एनवायरनमेंट अपना पॉल्यूशन है या नहीं, पोल्यूटेड है नहीं, उसका पता लगा सकते हैं। शिवानी शिवानशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा टुंड्रा वन। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल और काई से बने होते हैं, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा टुंड्रा वन, शैवाल और काई से बने होते हैं, आंसर बनेगा यहाँ पे टुंड्रा वन। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस काम में लेते हैं, बोले तो स्वपोषी है, खुद का भोजन खुद बनाते हैं। किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, देखिए ऑप्शन में से बताना है, टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में होता है, दिन के टेम्परेचर में, यानी मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम भी उसी जगह होता है और मैक्सिमम भी वहीं पे होता है। अपन बात कर लेते हैं मरुस्थल होता है आपका, वहाँ पे क्या होती है, मिट्टी मिट्टी होती है, तो वो ठंडा होने में भी समय लेती है और काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, गर्म होने में भी समय लेती है, काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है मरुस्थल के अंदर। दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, इसी वजह से राजस्थान के अंदर बाड़मेर जैसलमेर है वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो आपका जो चूरू है वहाँ पर भी मिट्टी है तो सर्दी भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। देखिए ऑप्शन में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है,
जो ऑप्शन में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, तो विटामिन कौन सा होगा, कौन सा होगा, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल आपका राइट आंसर बन जाएगा। किस विटामिन के कारण रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए का सोर्स क्या है, गाजर, कच्चे फल, फ्रूट, वो है विटामिन ए के सोर्स। क्लियर है। बी को अपन थायमिन बोलते हैं, बी को थायमिन बोलेंगे, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे, विटामिन के को क्या बोलेंगे, फाइलोक्विनॉन। ए डी अपने विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई के, तो रत एक टॉफी फाइलोक्विनॉन। क्लियर है। इसमें से आपके बी और सी किसमें घुलनशील हो गया, ये देखिएगा, थोड़ा सा सस्पेंस आ रहा है, कंफर्म कीजिएगा। आपके वसा में घुलनशील कौन सा होता है, जल में घुलनशील कौन सा होता है, थोड़ा सा सस्पेंस पैदा हो चुका है, उल्टा हो गया है, बताइएगा। बी और सी आपका जल में घुलनशील है ना, और बाकी आपके वसा में, कुछ इस तरीके से एक बार कंफर्म कीजिएगा इस चीज़ का, कमेंट करके बताइएगा जल में घुलनशील कौन सा है, क्या आंसर बनेगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, सस्पेंस क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे। बी और सी होगा ना, बी और सी आपका वाटर सोल्यूबल ही होता है ना, और ए डी ई के आपका फैट में होता है। क्लियर है, यही होगा इसका, बिल्कुल सही है, बी और सी आपका वाटर सोल्यूबल होता है, बिल्कुल वेरी गुड मोहित जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बी और सी आपका वाटर सोल्यूबल होता है, और ए डी ई के आपका होता है फैट सोल्यूबल। ओके, ध्यान रखना, बी और सी वाटर सोल्यूबल है, और आपका बाकी बच गए जो भी है वो क्या है, आपके फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। आगे का क्वेश्चन आपका, मानव हृदय का दाहिना भाग, द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स, किस प्रकार का ब्लड होता है, दाहिना हिस्सा। देखिए ऑप्शन में से बता दीजिएगा, दाहिना हिस्सा कौन सा लेगा, यहाँ पे राइट आट्रियम आ रहा है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, और कि ये एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये कहाँ पे होता है इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पल्मोनरी वाल्व कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है राइट वेंट्रिकल में उपस्थित होता है। ओके, और एक होता है आपका ट्राइस्कोपिड वाल्व है, ये आपका यहाँ पे होता है दोनों के बीच में। ओके, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये जो वाल्व है इसका। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है कहाँ से, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, देखिए ऑप्शन में से अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध इम्प्योर ब्लड, दाहिना भाग ब्लड प्राप्त करता है अशुद्ध ब्लड, हार्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए ऑप्शन में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, मोहम्मद इरफान जी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, फायदा रहेगा, योगी जी आ जाएंगे। नहीं, निम्न में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है, आंसर बनेगा यहाँ पे लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ऑर्गेन कौन सा होता है, स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गेन पूछे आपसे, अंग, तो अंग हो जाएगा आपका यहाँ पे स्किन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, द्रव चालित लिफ्ट, आंसर बनेगा यहाँ पे पास्कल के सिद्धांत के ऊपर। पास्कल का सिद्धांत अपन ने देखा क्या था, पास्कल का नियम क्या कहता था, सब जगह मतलब आपका जो प्रेशर है वो समान लगेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे पास्कल के नियम के ऊपर, यानी किसी भी द्रव के ऊपर चारों तरफ जो भी फोर्स लगता है वो बिल्कुल आपका समान लगता है, पास्कल का नियम हो गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है किसी भी जल के अंदर कोई भी वस्तु डूबा जाती है तो उसके ऊपर की तरफ एक बल लगता है, वो आपका उत्प्लावक बल कहलाता है। जूल्स लॉ कहता है आपका एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन टू टी, न्यूटन का नियम तो आप जानते हो, तीन नियम है न्यूटन के। आगे का क्वेश्चन आपका यहाँ पे, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान होते हैं, देखिए ऑप्शन में से क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, सेल्सियस और फारेनहाइट, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा -40। देखिएगा ऑप्शन एक और हो सकता है 4 डिग्री, तो आपको थोड़ा सा सस्पेंस पैदा हो सकता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है 4, लेकिन हो सकता है 4 और उसकी वजह से आपका फिर गलत हो जाए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, -40 पे तो आपका क्या होता है, -40 पे तो होता है आपका सेंटीग्रेड और फारेनहाइट बराबर होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा आपको क्या है, सभी को पता है, द्रव का जो लिक्विड है पानी है उसका घनत्व है मैक्सिमम होता है। ओके, कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन हो गया ए बराबर 9/5 × सेंटीग्रेड + 32, इसमें सी बराबर -40 रखोगे तो आपका एफ की वैल्यू भी ऑटोमेटिक -40 आ जाएगी।
MICR में आई का मतलब क्या है? MICR में आई का मतलब क्या है? इंटरेक्टिव, इंफॉर्मेशन, इंक या इंस्ट्रक्शन? MICR आंसर बनेगा इंक। मैग्नेटिक, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर, करेक्टर रिकॉग्निशन, यही होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इंक। अगला क्वेश्चन आपका, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या, अणु का, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल? एटमिक नंबर, आइसोटोप, एटमोसिटी या एटमिक मास? देख लीजिएगा, चार ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या क्या, किस पे आंसर लगाओगे? देख लीजिएगा, सोच विचार कर लीजिएगा, द्रव्यमान पे लगाओगे, परमाणुविकता पे लगाओगे, आइसोटोप पे लगाओगे या परमाणु की संख्या पे? अपन ने वो पढ़ा था परमाणु, परमाणु से मिलके अणु का निर्माण होता है, अणु से कोशिका का निर्माण, कोशिका से उत्तक, तो परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। बिल्कुल वेरी गुड रविराज जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे किस पे टिक लगा रहे हो? सुहानी शिवान जी कह रही है एटमोसिटी के ऊपर। यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है एटमोसिटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन की बात कर लीजिएगा, इसमें कितनी इसकी एटमोसिटी है? इसमें आपके तीन ऑक्सीजन है, इसकी एटमोसिटी कितनी होगी? इसकी परमाणुविकता कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। O2 में कितनी एटमोसिटी हो जाएगी? दो हो जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को अपन बोलते हैं एटमोसिटी। ओके, देखिएगा ये एग्जांपल भी आप लोगों के सामने आ चुका है। ओके, एटमोसिटी के अकॉर्डिंग मोनो एटॉमिक, जिसमें एक एटम होता है, डाई एटॉमिक, दो एटम होता है, ट्राई एटॉमिक, तीन एटम होता है, पॉली एटॉमिक, जिसमें तीन से ज़्यादा है। ओके ओके, ऑक्सीजन की एटमोसिटी कितनी होती है? ऑक्सीजन की हो जाएगी दो एटम होते हैं, तो इसकी एटमोसिटी दो हो जाएगी। क्लियर है? यानी आपका डाई एटॉमिक है। ओजोन आपका ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? व्हाट डज ए स्प्रिंटर कीप रनिंग इवन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन? दौड़ता हुआ आ रहा है, फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर ली, फिर भी वो दौड़ता रहता है, क्यों? स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, यह वह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है, उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसको रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। तो बताइएगा क्या आंसर लगाओगे? समझ लीजिएगा, आपका एग्जाम ही चल रहा है तो कम मत मारिएगा, बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? न्यूटन की गति का पहला नियम, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। वह बंदा गतिशील ही आ रहा है तो उसको गति का पहला नियम सपोर्ट करेगा कि वो थोड़ा गति करता ही रहे। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, इनर्शिया और मोशन कीप्स हिम मूविंग। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, यानी उसे मोमेंटम मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ़ पानी पर तैरती है तो इसका घनत्व क्या होगा? नहीं, घनत्व क्या है? बर्फ पानी के ऊपर तैर रही है, इसका मतलब इसका घनत्व क्या है? पानी से अधिक है या पानी से कम है? तो ऑब्वियसली ऊपर तैर रही है तो इसका मतलब उसका जो घनत्व है वो पानी से कम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ओपेरिन्स थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत, ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैविक विकास या कृत्रिम विकास या रासायनिक विकास या भौतिक विकास? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा यहाँ पे रासायनिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक विकास। ओपेरिन्स थ्योरी किससे संबंधित है? केमिकल इवोल्यूशन से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन है। यहाँ पे है, निम्न उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? एग्जाम्पल बताना है जिसमें एथलीट है उसके पास में मैक्सिमम एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो मैक्सिमम एक्सीलरेटेड मोशन, त्वरित वेग अधिकतम कब होगा? जब वह एक आयताकार पथ के ऊपर दौड़ता है, जब वह एक षटकोण के ऊपर दौड़ता है, जब वह एक अष्टकोण
अष्टकोण के ऊपर दौड़ता है या वह एक वर्ताकार पथ पर दौड़ता है, उसको मैक्सिमम एक्सीलरेशन किस प्रकार के पथ पर मिलेगा? यहाँ पे आंसर बनेगा बिल्कुल सही जवाब है सर्कुलर पथ के ऊपर। निम्न गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तभी तो बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है ना, इसी वजह से तो लिया जाता है बेकिंग सोडा, जिसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बनाता है। सब्जी पूड़ी में ये तो डाला जाता है, पूड़ियों में। आंसर बनेगा पे ऑप्शन नंबर एक के साथ में CO2 की वजह से। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी बनेगी? ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त। तीसरे आवर्त के अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स होंगे, कितने सेल्स बनेंगे तीसरे आवर्त के अंदर, कक्षों की संख्या कितनी बनेगी? एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, नहीं आता है तो हेलिना, तो सोडियम आपका तीसरे आवर्त में आ गया, तो यहां पे आंसर बन जाएगा ओके तीसरे आवर्त। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर थोड़ी बहुत पीरियडिक टेबल याद होगी ओके बिल्कुल, इनो भी डाला जाता है बिल्कुल, यहां पे आंसर बन जाएगा तीन होती है, जैसे कि अपने सोडियम एग्जाम्पल लिया, सोडियम आपका किस में आएगा, एलिना, सोडियम आपका तीसरे में आ गया, इसकी एटॉमिक नंबर 11 होगी, पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, तो के एल एम, तो इसमें टोटल कितने बनते हैं, 3 सेल, यही आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ऑब्टेंड बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन? कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? अपन जो अपनी एक्टिविटी सीरीज है, यस रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, जिसको अपन हिंदी में सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी में बोलते हैं, उसमें जो कार्बन है, कार्बन से जो जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं उनको अपन अलग नहीं कर सकते। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी याद करनी पड़ेगी, इसमें आपका कार्बन से जो भी नीचे है, यानी कार्बन से ऊपर है, क्वेश्चन को पढ़िएगा दोबारा से, कार्बन का यूज करके, यानी कार्बन किसको विस्थापित नहीं करेगा, कार्बन उनको विस्थापित नहीं करेगा जो कार्बन से ऊपर है, कार्बन से जो जो ऊपर है उनको कार्बन नहीं निकालेगा, तो कार्बन उन्हीं को निकालेगा जो श्रृंखला श्रेणी में कार्बन से नीचे है। इसका आंसर बनेगा आपका सोडियम, सोडियम आपका नीचे देखने को मिलेगा इस सीरीज के अंदर। मोस्ट रिएक्टिव आपका इसमें पोटेशियम होता है और लीस्ट रिएक्टिव आपके इसमें सिल्वर गोल्ड वगैरह ये होते हैं ओके। यहाँ पे आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने को तभी देखने को मिलेगा, ये जो एक सीरीज है, ये सीरीज अपन अच्छे से याद कर लेंगे। ध्वनि की दृढ़ता को दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहते हैं? द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड। साउंड का रिपीटेड रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? साउंड का रिपीटेड रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? ये कहलाती है आपकी प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन? ऑब्वियसली जनसंख्या बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब बन जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे हार्ड, देखिए ऑप्शन में से आपका आंसर बन जाएगा हीरा, डायमंड। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है आपका हीरा। मानव में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण पहचानी का, कनेक्टिव टिश्यू का। ह्यूमन बॉडी 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनती है, जिसमें कुछ आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कुछ आपके मसल टिश्यूज होते हैं, कुछ आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ओके। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक हो गया, मांसपेशीय ऊतक हो गया, उपकला ऊतक हो गया, ये कौन सा बच गया? 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानेगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आंसर बन रहे हैं बोन के साथ में। बोन किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। बोन टू बोन, हड्डी टू हड्डी कनेक्टेड होती है आपकी लिगामेंट से, लिगामेंट्स को अपन बोलते हैं स्नायु, बंधन। और बोन टू मसल्स,
कनेक्टेड होती है टंडन से, टंडन को अपन बोलते हैं हिंदी में कंडरा। ये थोड़ा दो क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे का क्वेश्चन आपका, दिए गए ऑप्शन में से किसने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया? बिल्कुल हीरे की खाने सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। किसमें इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया? तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर का। डायनेमो बोल दीजिएगा, डायनेमो का इन्वेंटर भी कौन है आपका? माइकल फैराडे है। मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में एक न्यूटन की दूरी पर एक न्यूटन के द्वारा बल चलती है, किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करो। अब यहाँ पे आपको बल की वैल्यू एक मीटर दे, बल की वैल्यू एक न्यूटन है, आपके पास में डी की वैल्यू एक मीटर है, एफ और डी आपको दिया हुआ है, कार्य की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे कार्य कितना होगा? कार्य आपका दिया जाएगा एफ डॉट डी से, डब्ल्यू बराबर एफ डी कोस ऑफ थीटा होता है, एफ डी दे रखा है एक इंटू एक, तो एक आपका आंसर रहेगा, आंसर बन जाएगा यहाँ पे एक जूल। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आउट सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? पीरियोडिक टेबल है इस तरीके से, उसमें एक जिग जिग लाइन बनती है यहाँ पे, जिसको अपन टेडी मेडी लाइन कहते हैं, ये किसको अलग करती है? इधर आपकी नॉन मेटल हो गई, इधर आपकी मेटल हो गई, बीच में आपके जिग जिग लाइन पे मेटल लोड होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा धातुओं को अधातुओं से, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है जिग जिग लाइन। ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल, इसमें आपकी एक जिग जिग लाइन बनती है इस तरीके से। ओके, तो इधर आपके अधातु हो गए, इधर आपके धातु हो गए, जिग जिग लाइन पे आपके होते हैं उपधातु। ओके, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी अपन लिख देते हैं, ऑप्शन लिख देते हैं, 500 ऑप्शन लिख दिया अपने 735.5, तो ऑप्शन जरूरी नहीं, ये है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है और कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। ओके, तो दोनों ऑप्शन आ गए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपका जो हॉर्स पावर है, एक HP होता है 746 वाट के बराबर होता है, एक आपका ब्रिटिश हॉर्स पावर होता है वो होता है 735.5 वाट के बराबर। ओके, तो यहाँ पे ब्रिटिश पूछे तो स्पटिक लगाना है, सिंपल ये पूछे तो स्पटिक लगाना है। 10 ओम के एक प्रतिरोध, आपके पास में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 10 ओम, ये एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है, आई की वैल्यू होगी 1.5 एम्पियर, एक मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? फटाफट बता दीजिएगा, देखें ऊर्जा की मात्रा आपसे पूछी गई है, आपको यहाँ पे आर दे रखा है, यहाँ पे आपको आई दे रखा है, यहाँ पे आपके पास में टी दे रखा है, एक मिनट, ऊर्जा की मात्रा बतानी है आपको, कितनी ऊर्जा निष्कासित होगी। तो यहाँ पे आप जूल सिला काम में ले लीजिएगा, जूल सिला कहते हैं एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। यहाँ पे हमेशा साइंस के क्वेश्चन में SI यूनिट पे आपको जाना है, समय की SI यूनिट बनती है सेकंड, तो टी की वैल्यू आपको 60 सेकंड करनी है इसमें, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आप 1.5 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 2.25, आर की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, समय आपका 60 दे रखा है, इस पॉइंट का नीचे 100 आ जाएगा, 1010 1010, तो 225 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 5 30, 6 2 12, 6 5 30 असल 3, 6 2 12 3 15, असल 1, 6 2 12 1 13, 1350 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, जूल सिला में, इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर ही आ गया, एक क्वेश्चन आता है कि जूल सिला में टी किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन में दिया होता है टेम्परेचर, ऑप्शन में दिया होता है समय, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, टी यहाँ पे आपका समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी आपका समय को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि टेम्परेचर को। और एक ऑप्शन क्या देखने को मिलेंगे आपको, ऑप्शन टी क्या है, ऑप्शन आपका टाइम है, ऑप्शन आपका टेम्परेचर है, ऑप्शन आपका थिकनेस है। ओके, तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, भाई रेजिस्टेंस तो हो सकता है, थिकनेस की बात हो रही है। ओके, तो अच्छे से रट लीजिएगा इस चीज़ को, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है आपका। आपके पास में तीन रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू दे रखी है, तीनों को आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 10, 8 और 7, सीरीज में है तो सब कुछ आपका डायरेक्ट ऐड हो जाता है, 8, 7, 15, 10, 25, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, आज तो 26 है, आज 25 नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिएगा ये क्वेश्चन भी ऐसा बार बार देखने को मिल रहे हैं, मान ले एक काल्पनिक ग्रह, अच्छे से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कईयों के सस्पेंस पैदा हो रहा है, दोबारा से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से, श्योर संभावना है ये क्वेश्चन आने की। आपके पास एक काल्पनिक ग्रह,
ये तो हो गया आपके पास में काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के अध के बराबर है। पीछे अपने न्यूमेरिकल सोल्व किया था उसमें डबल दिया हुआ था कि एक काल्पनिक ग्रह मान लीजिएगा जिसमें द्रव्यमान और त्रिज्या डबल है। अब यहाँ पे पृथ्वी मान लेते हैं, इधर इसका द्रव्यमान एम मान लिया तो काल्पनिक ग्रह का द्रव्यमान एम बाई टू क्योंकि अध के बराबर बता रहे हैं। इसकी त्रिज्या आप आर मान रहे हो तो इसकी रेडियस हो जाएगी आर बाई टू। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, यहाँ पे जी है, जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम बाई आर स्क्वायर, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना बनेगा इस पे आपसे पूछा गया है। तो इस पे आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएगा जी डैस इक्वल टू जी इंटू, फॉर्मूला ये होता है तो जी इंटू एम की जगह आप रख दीजिएगा एम बाई टू बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे आर बाई टू का होल स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये बनेगा आपका जी एम बाई आर ओके स्क्वायर। अब ये इसको मैं अलग शेयर कर दूं, इसको मैं खोल देता हूं, इसको मैं आर स्क्वायर बटे चार कर देता हूं, क्लियर है। अब ये जो दो है इस दो को यहां पे काट देगा, ये दो मेरा ऊपर चला जाएगा, फिर ये दो मेरा ऊपर चला जाएगा। अब ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है ये तो मेरा जी है, तो जो जी डेस बनेगा मेरा वो जी इंटू टू, कुल मिला के जी डेस मेरा टू जी बन जाएगा, दो गुना बन जाएगा ओके। यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, डी आ गया। कैलकुलेशन समझ में आ गई आप लोगों के, इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक दोबारा से फटाफट बता देता हूँ, डबल वाला क्या होगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यदि एम भी डबल हो रहा है आपका, एम भी डबल हो रहा है, आर भी आपका डबल हो रहा है, तब आप क्या हो जाएगा जी इंटू टू एम बटे टू आर का होल स्क्वायर बन जाएगा, जी इंटू टू एम बटे चार आर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें इसका आधा हो जाएगा वन बाई टू जी एम बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। यदि इनको आप डबल कर रहे हो, इनको आप डबल कर रहे हो तो आपकी जो ग्रेविटी है वो बन जाएगी आधी, क्लियर है। तो अपना ये क्वेश्चन बन रहा है उसमें अपने आधा किया था, आधा किया था आपने, आधा किया था एम इक्वल टू आपने एम बाई टू किया था, आर इक्वल टू आर बाई टू किया था, तो आपका जो जी बन रहा है वो आपका डबल हो रहा है, जी डेस आपका डबल हो रहा है ओके। तो ये दो डेस रट सकते हो चाहो तो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा ही आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है ओके, ऐसा ही देखने को मिलता है। इस कंडीशन में तो आपका जी डेस बन जाता है आधा, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आप आंसर दे दोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है, या तो डबल का आएगा या आधा का आएगा। अगला क्वेश्चन आपका खाने का जो NaCl है वो किससे बना होता है, साधारण नमक किससे मिलकर बना होता है बताएगा। सब इसमें मजबूत काम मिलेंगे अपन, HCl भी मजबूत होता है, NaOH भी आपका मजबूत होता है, दोनों से मिलकर बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार दोनों से मिलकर आपका बनता है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पे स्टेमन एंड कार्पल, कोरोला, कैलेक्स, कैलेक्स, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में स्टेमन एंड कार्पल। इमेज में देख सकते हो, ये तो रहा आपका स्टेमन और इधर आपको देखने को मिलेगा कार्पल, ये तीनों कार्पल के हिस्से हो गए, ये आपका स्टेमन कहलाता है ओके। ये तीनों कार्पल के हिस्से कौन कौन से हो गए, कार्पल के तीन पार्ट कौन कौन से हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, याद हो गया होगा अच्छे से। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, सेविंग दर्पण में, सेविंग मिरर में, यानी जो बार्बर वगैरह होते हैं ये काम में लेते हैं, हेडलाइट्स में बिल्कुल सही है, टॉर्च में बिल्कुल सही है, रियर व्यू, रियर व्यू में अपन काम में लेते हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स बोले तो उत्तल काम में लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए ऑप्शन में से विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है इलेक्ट्रिक करंट की, क्या एक माइक्रो एम्पियर है, वोल्ट है, एम्पियर है, मिली एम्पियर है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऐसा यूनिट आपकी एम्पियर है। माइक्रो में कितनी हो जाती है, माइक्रो में लगा देते हैं अपन 10^-6, मिली में लगा देते हैं अपन 10^-3। एक तत्व का परमाणु भार है और परमाणु संख्या एन है, तो अपन तत्व को रिप्रेजेंट कर देंगे एन एक्स डब्ल्यू से, क्यों, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, ये आपका एटॉमिक वेट हो गया, तो एन एक्स डब्ल्यू इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, देखते हैं कौन सही आंसर देगा, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं टॉपिक, क्या बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको परमाणु संख्या एन दे रखी है, तो आपका जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही आपका प्रोटॉन नंबर होता है, वही आपका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, आंसर बन जाएगा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर एक के साथ में। प्रोटॉन नंबर आपका एन है, तो ये आपका एटॉमिक नंबर है। किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, कोई भी आपके पास में कंडक्टर है, ओके, इस कंडक्टर का आपने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, इस क्रॉस सेक्शन से दो कूलाम, क्योंकि वैल्यू आपके पास में दो कूलाम है, एक सेकंड में, एक सेकंड टी बराबर एक सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, उत्पन्न करंट कितना होगा। क्रॉस सेक्शन से दो कूलाम चार्ज एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा की वैल्यू कितनी बनेगी। आवेश के प्रवाह की रेट को बोला जाता है विद्युत धारा, दो बटा एक, तो दो आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दो एम्पियर। ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सॉलिड टू गैस। आंसर बनेगा इसका सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है, कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक, कांसा मिश्र धातु का हो जाएगा आपका कॉपर एंड टिन, कांसा कॉपर एंड टिन, टिन का सिंबल होता है SN, टिन का सिंबल होता है SN, कॉपर एंड टिन। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फ्लाई एस का कारण है, उड़न राख का कारण क्या है दिए गए ऑप्शन में से, आंसर बन जाएगा यहाँ पे जो भी आपके थर्मल पावर प्लांट है वो, तो थर्मल ऑप्शन नहीं लिखा, यहाँ पे थर्मल को लिख दिया, कोल कंपसन, कोल कंपसन पावर प्लांट, या अपन इसको थर्मल भी बोल देते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली इसी से पैदा की जाती है, थर्मल का यूज करके, कोयले का यूज करके। अगला क्वेश्चन, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने विकसित किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षिकता सिद्धांत। देखिए ऑप्शन में से सापेक्षिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन, डार्विन, मेरी क्यूरी, आइंस्टीन। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत कहलाता है E बराबर MC स्क्वायर, इसको बोलते हैं एनर्जी होगी मास हो गया और आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पे, तो E बराबर MC स्क्वायर, इसको अपन बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत, ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है, वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू, वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू, तो यानी जो देखने का जो एरिया है वो कौन बढ़ाता है, देखने का एरिया बढ़ाता है आपका उत्तल दर्पण, जो गाड़ी मोटरों के अंदर रेयर व्यू में काम लिया जाता है, पीछे का हिस्सा देखने में काम लिया जाता है उत्तल दर्पण। आगे का क्वेश्चन आपका, जंग लगना किसका एग्जांपल है, ऑक्सीकरण का है या अपचयन का है, ओके, ऊर्ध्वपातन ऑप्शन में दिया हुआ, सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। रस्टिंग ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या अपन कह देते हैं इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना। यहाँ पे आप पूछा गया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कहलाता है आपका रिडक्शन। तो ये तीन चार कंसेप्ट बनते हैं, ये थोड़े से ध्यान रखना, एग्जाम में गलत भी हो जाती है, ये क्वेश्चन बार बार गलत होने वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ, एक का लिख देता हूँ, दूसरे का अपोजिट कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, हाइड्रोजन का निकलना त्यागना। एक का याद कर लीजिएगा, दूसरे का उल्टा कर दीजिएगा, ओके, कोई बात नहीं, वीडियो अभी 5-10 मिनट और चलाते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया, वो इन्वेंटेड ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के इन्वेंटर कौन है, तो कल भी आया था ये क्वेश्चन, जाप हार्टसेन, जाप हार्टसेन ब्लूटूथ का इन्वेंटर कौन है, जाप हार्टसेन आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जाप हार्टसेन। निम्न में से किस कोशिका अंग में पैरों की एसिड टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरों की एसिड कहां पर टूटता है, पैरोविक एसिड कहां पर टूटता है, टूटने के बाद में वो CO2 H2O और आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसका आंसर बनेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस या अपन शक्ति ग्रह बोलते हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, श्वसन के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है,
सेल वॉल, सेल वॉल ऐसी चीज है जो ओनली प्लांट्स में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स और एनिमल्स में कौन डिफरेंट पैदा करता है, तो एनिमल्स में नहीं पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ओनली पेड़ पौधों में पाई जाती है। अभी जो सेल वॉल है किससे मिलकर बनी होती है, तो ये आपकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज बिल्कुल सही जवाब। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये तो आपका याद हो चुका है अच्छे से। वाट आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, वाट। ऊर्जा की इकाई आपकी जूल। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे एंथ्रासाइट भी है, लिग्नाइट भी है, पीट भी है, सीडेराइट। कोयले का प्रकार नहीं है सीडेराइट, अभी पीछे क्वेश्चन आया था। सीडेराइट आपका है लोहे का अयस्क है, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सीडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा युग्म आपका गलत है? क्या पारसेक से दूरी मेजर की जाती है, क्या बैरल से लिक्विड मेजर किया जाता है, या प्रकाश वर्ष से समय मेजर किया जाता है, या सभी के सभी सही है? अपन तुक्का यहीं पे लगाते हैं ज़्यादातर, क्या यहीं पे लगाएंगे? देखिए ऑप्शन में से कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ये आपका गलत है। बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश वर्ष आपका गलत है। ये किसका होता है? ये आपका दूरी की इकाई होती है। दूरी की प्रकाश वर्ष भी है, दूरी की आपकी पारसेक भी है। बैरल अपन पेट्रोल वगैरह जो भी तेल निकलता है उनको अपन बैरल के अंदर मेजर करते हैं, तो लिक्विड को अपन मेजर करते हैं स्पेशली बैरल में। विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? सीडीसी, यूजनेट या COM, ODOR या परम? आंसर बनेगा इसका सीडीसी, सीडीसी 6600। ओके, या आपको क्रे वन भी देखने को मिल सकता है, एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो या ये है। ओके, सीडीसी 6600 या CRAY 1। भारत का पहला है आपका परम 8000। कोरा बादल कुआसा, कोरा बादल कुआसा, ये सब किसके एग्जांपल हैं? परम इंडिया का है, परम 8000 इंडिया का है। कोहरा बादल कुआसा ये सब आपके एरोसोल के एग्जांपल हैं। ऑप्शन नंबर है, कोहरा हो गया, बादल हो गए, कुआसा हो गया, सब किसके एग्जांपल है? एरोसोल के हैं। देखिए ऑप्शन में से अनुभुजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? अनुभुजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है बताइएगा? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? अनुभुजा चूना, अनुभुजा चूना का रासायनिक सूत्र बनेगा आपका ये, और ये जो नीचे लिखा मैंने ये हो जाएगा आपका भुजा चूना। अगर ये आपका कंफ्यूजन हो एग्जाम में कभी भी दोनों फॉर्मूले में, तो कैसे याद करोगे? CaOH का होल्ट कैसे याद करोगे? बुझ गया, बुझाते अपन किससे? पानी का यूज करके बुझाते हैं। इसका मतलब इसके फॉर्मूले में पानी देखने को मिलेगा आपको, H2O देखने को मिलेगा। अनभुजा इसमें आपको H2O देखने को नहीं मिलेगा, इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा। जिसमें पानी नहीं है तो वो बिना बुझा है, जिसमें पानी हो गया इसका मतलब वो बुझ चुका है। एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? पीछे क्वेश्चन आया था पोलियो का, अल्बर्ट साबिन ने खोज की थी पोलियो के टीके की खोज, अल्बर्ट साबिन। रेबिज, लुई पाश्चर, आंसर बन जाएगा यहाँ पे चेचक के टीके या स्मॉल पॉक्स की खोजकर्ता कौन है? आंसर बन जाएगा यहाँ पे एडवर्ड जेनर। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस कौन सी नहीं है? मिथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में हाइड्रोजन। टोटल आपकी 6 ग्रीन हाउस गैसेज है, 6 में से 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक आपकी जलवाष्प हो जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है, मिथेन हो गई, ओजोन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, एक और बच रही है, कौन सी बच गई? CO2 बच गई, एक CO2 हो गई। ओके, तो टोटल आपको 6 याद करनी है, याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले वो तो ले लीजिएगा, 1, 2, 3। चौथी कौन सी होगी? चौथी होगी आपकी CO2। पांचवी होगी आपकी जलवाष्प, और छठी कौन सी होगी? अभी तो लिखा था नाइट्रस ऑक्साइड होगी, मिथेन, ओजोन, CO2, जलवाष्प और CFC। ये टोटल आपकी 6 ग्रीन हाउस गैसेज होती है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से है?
भारत में सबसे ज्यादा सदाबहार है या पर्णपाती है? सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से है या मैंग्रोव बनेंगे? तो अंश बनेगा यहाँ पे सबसे बड़े क्षेत्र में है आपके पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर है? अब बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत अच्छे से सेट किए हुए, ऑप्शन देखिएगा कितना अच्छे से सेट किए हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल टोटली सस्पेंस पैदा करने वाले ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन में से कौन सा आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, बताइएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 710 में ओ प्लस होगा या ओ माइनस होगा, क्या कहता है कॉन्फिडेंस? भवानी सिंह ए, रविराज बी, मोहित चौधरी क्यों लिख रहे हैं? तुन्ना चौधरी पॉजिटिव। आंसर बन जाएगा ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर और यूनिवर्सल डोनर। ओके, ओ नेगेटिव है और ए बी यहां पे पॉजिटिव है आपका, ऑप्शन बी बन जाएगा यहां पे राइट आंसर। और यहां पे अगला ए बी प्लस आपका, ध्यान रखना आप थोड़ा सा डीपली पूछे तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? अग्र, मध्य, पश्च, बंटी कुमार, अनिश, आकाश सिंह, मोहित चौधरी, रविराज। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका तीन भागों में होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ओके, इंग्लिश में देख सकते हो सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। अधिकतम इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन वी पुट एड्रेनलिन, एड्रेनलिन या जो अधिवरक ग्रंथि है उसको हम एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है, क्या है ये एड्रेनलिन? क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, प्रोटीन है या वसा है? यहाँ पे आंसर बन जाएगा यहाँ पे हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है, अधिवरक ग्रंथि से स्रावित होता है, हार्मोन है एड्रेनलिन। देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है, सुपर कूलिंग इज कूलिंग ऑफ लिक्विड, सुपर कूलिंग किसको कहते हैं? सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 715 पे समाप्त करते हैं अपन। आंसर बन जाएगा इसका फ्रीजिंग से नीचे, फ्रीजिंग तो आप समझ गए होंगे, जीरो से नीचे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जीरो से नीचे, और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आंसर बन जाएगा इसका हिमांक से नीचे, हिमांक पॉइंट कहलाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? परिवर्तन की घटना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इधर गई, जाना तो चाहिए इधर, लेकिन या तो इधर जाएगी या इधर आएगी, ये आपका कहलाता है विलंब है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना, परिवर्तन की घटना आंसर बन जाएगा यहाँ पे अपवर्तन, अपवर्तन आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, रिफ्रैक्शन। ओके, और उसी मीडियम में लौट जाना कहलाता है, उसी मीडियम में लौट जाना कहलाता है परावर्तन। ओके, उसी मीडियम में लौट जाना कहलाता है परावर्तन। और एक विवर्तन होता है, विवर्तन होता है आपका किनारे से मुड़ना, किनारे से मुड़ना, किनारे से मुड़ना, वो कहलाता है आपका विवर्तन, किसी भी ऑब्जेक्ट के किनारे से मुड़ना वो कहलाता है विवर्तन। देखिए ऑप्शन में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, फिनॉल, हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या इथेनॉल?
देखिए ऑप्शन में से कौन सा कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, कार्बोलिक एसिड। आंसर बनेगा यहाँ पे फिनॉल। देखिए ऑप्शन में से ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, फिनॉल, कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है फिनॉल। तो 715 क्वेश्चन पे अपन इस सेट को समाप्त करते हैं, बाकी अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अभी 9 पार्ट अपन ने समाप्त कर लिए, 9 पार्ट के अंदर 715 क्वेश्चन हो चुके हैं और अपन जाएंगे 6,000 या 7,000 के समथिंग अपन पहुंचेंगे। और एक बार अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए, चाहे कोई भी आपकी एग्जाम हो, चाहे सेंटर लेवल, स्टेट लेवल, साइंस वगैरह कोई भी, कहीं पे भी आपकी साइंस आती है, एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ पे जरूर कंफर्म कर लोगे। ओके रवि किशोर जी, अभी अपन कंटेंट को कलेक्ट करेंगे, एक बार अपना कंटेंट बहुत जगह है, उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे इसके बारे में। ओके तो अभी अपना कंटेंट एक जगह आ जाए, और अपना कंटेंट भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए, जो भी रिपीट हो रहा है उनको भी अपने को हटाना है। अपन देखते हैं 6,000 7,000 कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक बार सभी क्वेश्चन को अपन अपलोड करते हैं। ये अपना जीके का टारगेट है, जीके में भी अपन ये टारगेट लेते हैं 10,000 15,000 कितने अपने क्वेश्चन बनते हैं। ओके तो अपना एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाते हैं, ये अपने जरूर नहीं आपके साइंस रेलवे में काम आए, किसी भी एग्जाम हो सब में आपके यहाँ पे काम आने वाले क्वेश्चन सही है, बेसिक जनरल साइंस है 10th तक के। ओके तो धन्यवाद, थैंक यू बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुछ नए है तो। ओके जीके हो रहा है 9 बजे से, अपनी जीके क्लास होती है डेली, 10,000 MCQ सीरीज चल रही है अपनी। ओके धन्यवाद, थैंक यू बाय।